नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष भाजपा प्रदेश कार्यालय में। सागर जिले के सुर्खी से पूर्व विधायक पारुल साहू, जिला पंचायत उपाध्यक्ष छिंदवाड़ा अमित सक्सेना सहित 500 से अधिक सरपंच प्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी का अंगवस्त्र पहनाकर सभी का स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भोपाल से दिग्विजय सिंह मैदान छोड़कर राजगढ़ चले गए, वहाँ भी वह चुनाव जीतने के लिए 400 लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी वह हार जाएंगे। प्रदेश की खस्ता हालत बनाने में मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह का हाथ रहा है। शिवराज सिंह ने सत्ता संभालने के बाद प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाया है। हम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश को नंबर वन राज्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर यादव ने कहा कि पुरानी योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा और प्रदेश के विकास के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ नहीं समस्या बन गई है, यहाँ केवल एक ही परिवार चुनाव लड़ता रहा, लेकिन इस बार छिंदवाड़ा की जनता ने तय कर लिया है कि भारी को भार करेंगे और स्थानीय को चुनाव जिताएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में बेहतर काम हो रहा है, कोई योजना बंद नहीं हुई और नई योजनाओं के आने के बाद लोगों को पहले से ज्यादा फायदा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में राष्ट्र का पुनर्निर्माण हो रहा है, भारत 2047 तक विश्व गुरु बन जाएगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में हर क्षेत्र में विकास ही विकास हुआ है। अलग अलग प्रशासनिक दक्षता, कुशलता और राजनीतिक दृष्टि से स्वच्छता की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे लोगों का आना निश्चित रूप से हमारी अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि को और मजबूत करता है। और 77 से लेकर 90 तक आप अमित जी के पापा सर्वस्वर्गीय मेघनाथ जी सक्सेना मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे लंबे समय तक, और आप भी जिला पंचायत जीत रहे हैं। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष तो वोट कितने हैं? 20-20 हजार वोट से जिला पंचायत के जो सदस्य जीते हैं उनकी जमीन कितनी मजबूत होगी ये अपने आप में बताती है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अमित जी का। और आपके माने आने से हमने वहां भी कहा था कि छिंदवाड़ा कांग्रेस के नेतृत्व में गड़बड़ है, कांग्रेस का गढ़ नहीं है और ये सब ध्यान में आ रहा है लगातार। और छिंदवाड़ा वो कह रहे हम तपस्या कर रहे, तपस्या नहीं वो समस्या बन रहे, लोकल लीडरशिप को खड़ा नहीं करने दे रहे। आज तक वहां हमारा अपना कोई व्यक्ति सांसद नहीं बन पाया, इसका कारण एकमात्र कारण कमलनाथ जी। वो लगातार लड़ते रहिए, बाद में पत्नी को लड़ाए, फिर बेटे को लड़ाए, बेटा 10 बार लड़े, इसका मतलब कोई वहां के लोग कहाँ जाएंगे जहाँ अपने स्थानीय नेतृत्व। भाजपा ऐसे सारे वर्गों के लिए खड़ी है और हम सब मिलकर के निश्चित रूप से इस बार छिंदवाड़ा की जनता ने तय कर लिया अंदर का और बाहर का। बाहरी व्यक्ति बाहर जाएगा, जो वहाँ का स्थानीय वो सांसद बनेगा, आगे के सभी चुनाव जीतेंगे। साथ साथ शाहिद खान जी हमारे अपने शासकीय महाविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष, प्रदेश NSA के महामंत्री है, बड़ी बड़ी पद पे, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ इस अवसर पर। शेर सिंह है, शेर सिंह दाऊ, जोरदार तालियां शेर सिंह के लिए। आप हमारे प्रदेश के यादव महासभा के भी उपाध्यक्ष है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ सदस्य है। वीरेंद्र सिंह यादव जी जनपद सदस्य बेगमगंज, कृष्णा यादव जी समाज सेवी, जिला अध्यक्ष युवा महासभा रायसेन, और बहुत सारे नाम है। सभी का भाजपा परिवार में मैं स्वागत करता हूँ, आश्वस्त करता हूँ आप सबके साथ मिलकर के वरिष्ठों का आशीर्वाद लेकर के भाजपा ये जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सरकार चला रहे हैं, आपकी सबकी मनोभावनाओं का ध्यान में रखते हुए विकास के जो जो आपके सपने हो, हमारा तो स्लोगन ही ये है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, भारत को 21वीं शताब्दी का भारत माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनाएंगे और मध्य प्रदेश को देश का नंबर वन का प्रदेश बनाएंगे। और बहुत सारी योजना है, चूंकि चुनाव की बेला है, आया राम गया राम की स्थिति में से बाहर आकर के केवल हमारे बीच में अच्छा काम करने वाले लोग आ रहे हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बड़े बड़े नेता जो 50-50 साल से राजनीति करने की बात कर रहे हैं, इनकी हिम्मत नहीं कि अपने चुनाव क्षेत्र को चुनाव के बाहर जाकर के 2-4 लोकसभा की सभा ले लें। बड़े बड़े नाम इनके एक ही एक जगह जाकर के जान बचाने के लिए अपनी अपनी जगह हाथ जोड़ के जुड़ा रहे, लेकिन ये कांग्रेस की दुर्दशा क्यों हुई? कांग्रेस की दुर्दशा इनके कारण ही हुई। ये भगवान राम का उपवास करते थे और आज दुआ कर रहे हैं कि हम जीते। जनता सब जानती, दोहरा चरित्र तो सब ध्यान में आता, हमने सबने देखा है। और जिस प्रकार से कल पैसे पकड़ाए, कोई दुआ करके रास्ता बदलना चाहता, भगवान राम का वैसे तो जीवन भर विरोध करते ही है और कह रहे चंदा हमने भी दिया, तो भगवान केवल चंदे के भूखे है क्या? ये चंदे का धंधा तुम्हारा होगा, भगवान का नहीं। अपने आप में गिरेबान में झांक करके देखो कि आपके कर्म कैसे हैं कि जनता आपके साथ जाना नहीं चाहती है। मेरी अपनी ओर से परिवार के सभी मित्रों का अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद।
कांग्रेस के गलत फैसलों के कारण। भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराना, धारा 370 हटाने का विरोध करना, एक नहीं ऐसे अनेकों फैसले जिसके कारण कांग्रेस के विचारवान मित्र आहत हैं और उनको लगता है जब ऐसी कांग्रेस में रहने का कोई फायदा नहीं है। अब कांग्रेस की हालत तो ये हो गई है कि उनकी सर्वश्रेष्ठ नेत्री ही चुनाव नहीं लड़ रही, सोनिया मैडम ने मैदान छोड़ दिया रायबरेली, बताओ यहां से इंदिरा जी लड़ी, वहां कांग्रेस के पास उम्मीद आ रही नहीं है। कांग्रेस के अधा पतन की पराकाष्ठा है ये। अमेठी में जहां राहुल बाबा चुनाव लड़ते थे वही उम्मीदवार नहीं है, राहुल तो चले गए छोड़ छाड़ के, वहां से छोड़ के हम तो चले परदेश। अपने घर में ही कांग्रेस की जड़ें नहीं बची, क्योंकि कांग्रेस देश की जड़ों से नहीं जुड़ी। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल and press the bell icon.